नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की छोटी बहू पटना कब आएगी, आखिर कब बिहार में वो अपनी एंट्री करेगी, इसके लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। बता दें कि पार्टी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक 12 दिसंबर यानी कि कल शाम को तेजस्वी यादव की नई नवेली दुल्हन पटना आ रही है। इतना ही नहीं, अगर हम बहुभोज की बात करें तो बहुभोज नए साल में किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी है जो पार्टी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। बता दें कि पहले से ही तारीख को लेकर जो संशय बरकरार था उस पर अब जो है ये ऐलान कर दिया गया है कि 12 दिसंबर के दिन शाम को तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ मां राबड़ी देवी सहित बिहार लौट रहे हैं। इतना ही नहीं, तय कार्यक्रम के अनुसार ही सब कुछ किया जाएगा। विधि विधान के साथ, हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। हालांकि अगर हम लालू प्रसाद यादव की बात करें तो उनकी सेहत में अब तक ज्यादा सुधार नहीं आया है और यही वजह है कि उनके आने पर संदेह है। लेकिन तेजस्वी यादव और अपनी उनकी जो पत्नी है और मां राबड़ी देवी 12 दिसंबर के दिन अब बिहार लौटने वाली हैं, पटना लौटने वाली हैं। इतना ही नहीं, खरमास का महीना भी शुरू हो रहा है। ऐसे में लालू परिवार चाहता है कि खरमास चढ़ने से पहले ही तेजस्वी यादव की नई नवेली दुल्हन पटना पहुंच जाए और यही वजह है कि तय कार्यक्रम के अनुसार ही अब सब कुछ किया जाएगा। 12 दिसंबर की शाम को उनकी पत्नी पटना लौटेंगी, जहां पर पहले से ही तैयारियां राबड़ी देवी की तरफ से कर ली गई है। इतना ही नहीं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो तय कर लिए गए हैं। बहुभोज की हम बात करें तो वो नए साल में करने की बात कही गई है, क्योंकि कोरोना को देखते हुए ये फैसला लालू परिवार ने लिया है। जिस तरह से संख्या कोरोना मरीजों की बढ़ रही है इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिसके तहत नए साल में बहुभोज करने की तैयारी और प्लानिंग की गई है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के आने पर संदेह अब भी बरकरार है। अब देखने वाली बात होती है कि 12 दिसंबर की शाम को दिल्ली से कौन कौन पटना लौटता है। हालांकि तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी और मां राबड़ी देवी, इन तीन लोगों के आने का जो प्रोग्राम है वो फिक्स है, लेकिन उनके अलावा परिवार के और कितने सदस्य पटना आते हैं ये देखना होगा। हालांकि लालू प्रसाद यादव आते हैं या नहीं, क्योंकि पहले भी जब वो पटना आए थे तो उनकी सेहत बिगड़ गई थी और यही वजह है कि डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा जो है यात्रा करने की परमिशन नहीं दी है, अनुमति नहीं दी है, और इसी को देखते हुए ये संदेह अब भी बरकरार है। अब देखने वाली बात होती है कि जो जानकारी है पार्टी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसमें कितनी सच्चाई है और क्या 12 दिसंबर की शाम यानी कि कल लालू प्रसाद यादव की छोटी बहू पटना आती है या नहीं। लेकिन इसको लेकर जो ऐलान है वो पार्टी की तरफ से कर दिया गया है, जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि 12 दिसंबर की शाम को ही परिवार जो है वो पटना आएगा और खुद राबड़ी देवी आएंगी और हिंदू रीति रिवाज के साथ अपनी छोटी बहू का वेलकम करेंगी। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।